चलिए इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम 10th क्लास चैप्टर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नेचर के हैं। आपसे इस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट करते हैं कि आप प्रैक्टिकली चैप्टर को अपने स्किल सेट का हिस्सा बनाएं, आप समझ पाएं कि अप्लाइड एलिमेंट क्या है पूरे चैप्टर के कॉन्टेंट का, सार क्या है उसका। उसी में एक क्वेश्चन कल की डिस्कशन के दौरान हमने आपके लिए छोड़ दिया था। क्वेश्चन ये था, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे उनमें क्वेश्चन था, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर नोशन ऑफ व्हाट शुड इंडिया डू और अचीव टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। सिंपल कहानी है कि उन्होंने कहा कि आप बताइए कि भारत ऐसा क्या करे या ऐसी क्या अचीवमेंट्स करे कि भारत डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ जाए, भारत डेवलप्ड कंट्री बन जाए, विकसित मुल्क बन जाए, ऐसा भारत क्या करे। हमने स्टूडेंट से कहा था कि आप अपने लेवल पर इसका आंसर करिएगा। स्टूडेंट्स ने अपने लेवल पर आंसर किए। उसमें से जिन स्टूडेंट ने हमें सबसे पहले आंसर भेजा, हम उन्हीं का आंसर यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। उसमें रही कमियां भी हम आपको बता देंगे और उस आंसर के बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग, अलग अलग सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ते हैं एक साथ, वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं आपके नॉलेज बेस में। ये आंसर रुबिंदर का है, हमारी क्लास स्टूडेंट हैं और हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स उन्होंने लिखा है, क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1 डेवलपमेंट, एंड क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ ऑन योर नोशन ऑफ व्हाट शुड इंडिया डू और अचीव टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। आंसर, development of a country is marked from its social, political and economic aspects, but it is economic development that drive the country's society and polity towards the growth. Keeping this fact and economic structure of India in view, following opportunities could be created and achieved in order to achieve overall development. Pehla, economic aspect. पॉइंट नंबर वन अंडर द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इंडिया इज एन एग्रेरियन सोसाइटी एंड 50% ऑफ इट्स वर्किंग पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज विच यील्ड ओनली 19% कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ओवरऑल जीडीपी। दिस इम्प्लाइज द लेस रेम्यूनरेटिव कैरेक्टर ऑफ दिस सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन शुड रीच नॉन ग्रीन रेवोल्यूशन इम्पैक्टेड रीजन्स वाया इरीगेशनल फैसिलिटीज एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। सेकेंड, नेगेटिव्स ऑफ फॉर्मर ग्रीन रेवोल्यूशन शुड बी डेल्ट विद सीरियसनेस कलेक्टिवली Agro-based industries and other non-farm activities require an encouragement at village level. Self-help groups, cooperative societies can play significant role. Skill development programs and easily accessible and affordable institutional credit lending should be offered by government to them. ये सब चीज़ें बताई गई हैं, तो इनसे खेती बाड़ी और ग्रामीण इलाकों का विकास होगा, वो ये बता रही हैं। पॉइंट नंबर टू, नेक्स्ट स्टेप शुड बी द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज टू रिड्यूस द बर्डन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर प्लस एनहांस द इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लेबर। वंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट्स जनरेटिंग, इट प्रोवाइड परचेजिंग पावर टू द वर्कर, दैट इज द लेबर क्लास, एंड डिमांड एंड सप्लाई साइकिल जनरेट्स एंड सस्टेन्स। थर्ड, to expand employment opportunities in the tertiary sector and expand organized sector of our economy. Point number four, continuous investment is required in economic infrastructural development such as roads, railways, electricity, irrigation, etc. Point number five, to reap the benefit of demographic dividend, continuous efforts towards human capital formation is required to turn large working population into an asset which otherwise would become a liability and hamper the economic growth severely. Point number six, an ecosystem for private investment, both national and international, is required to be maintained. Simultaneously, indigenous startup culture should be promoted. Point number seven, urban planning is required. Creation of job opportunities and provision of urban amenities at rural areas would halt the continuous and intense rural to urban migration which had overburdened urban infrastructure of our country.
along with the metropolitan cities, second and third tier towns or cities should be developed so that political and economic power along with the opportunities and population are well distributed. Point number 8. Continuous investment towards the research and science and technological development is required for the optimum utilization of available resources. Point number 9. We have to reduce our current account deficit by reducing our imports and increasing the exports to the international market. Alternatives for imports should be realized from domestic market. Point number 10. Unemployment possesses huge threat towards the sustainability of economic growth, which should be seriously dealt with both in rural areas, that is disguised unemployment and seasonal unemployment, and urban areas, that is open unemployment and structural unemployment. Now we come to the social aspect. First point. All the discrepancies at the social level should end, that is, privileges attached to one group and relative deprivations to the other. This becomes the reason of social discrimination, inequitable distribution of assets and resources, lack of human resource development of the socially depressed groups like the scheduled caste, scheduled tribe, OBC and women. Point number 2. Population growth should be checked and maintained according to the resources available. Point number 3. Educational institutions, uska aage vistar hai. Educational system requires overhauling from the perspective of syllabus and pedagogical skills of teachers. Education should serve its primary motive of securing livelihood to the youth by imparting those skills and knowledge which the country's current economic structure demands. Point number 4. Society should revisit its ideas and values with which it sustained a long phase of history and should foster unity among diverse groups by cherishing diversity. Point number 5. Civil societies, pressure groups should hold government accountable and articulate the needs of the society in a well profound manner. Now we come to the political aspect. Point number 1. To uphold the ideals of constitution, that is idea of society. So to uphold the ideals of constitution and constantly work towards achieving them, be it the idea of democracy, the idea of secularism, the idea of unity and integrity, the idea of republic, the idea of liberty, equality, fraternity, justice and freedom. Point number 2. Institutions should respect each other's areas of jurisdiction and power. Point number 3. States should not narrow down politics to regional interest and should look forward to cooperate with one another. Center should accord reasonable autonomy to states and adequate distribution of power and finance is required. Point number 4. Development of Schedule 5 and 6 areas is required and should never be neglected, and a constant vigilance is required over the administration of these areas. Point number 5. Policy of reservation and other affirmative actions should be implemented properly. Point number 6. Social welfare schemes and programs Social welfare schemes and programs should identify the target groups meticulously, and proper implementation should be ensured by tackling the problem of corruption. Point number 7. Excellent foreign policy is required to maintain good relations with other countries and have a strong position in international affairs. Point number 8 and the last point. Political parties should revere constitutional ideas, and constitutional morality should hold strong position amongst the politicians. These are the ideas shared by Rabindra in the economic, social and political segment. Very beautifully written answer, beautifully explained, the selection of words, vocabularies, three different domains, the polity, the economy and the society, and all the dimensions relevant to all the domains, all the different dimensions.
आंसर वॉज मल्टी फेसेटेड मल्टी फेरियस एंड मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज देयर टू अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट लेवल कि हम खुद को एक डेवलप्ड कंट्री बना सकें. दीज ऑल आर द बॉटलनेक्स. ये सारी समस्याएं हैं देश के स्तर पर, चुनौतियां हैं जिन्हें हमें दूर करना है. उन्होंने चुनौतियों को बेहतर पहचाना और अपना उत्तर दिया है. सभी को समझ आ गया? वही है जो हम रोज़ पढ़ते हैं क्लास में, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है. अब चलिए हम कुछ दिक्कतों की बात करते हैं, जिन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, जिन चीज़ों पर उतना बल नहीं दिया गया है. देखिए, जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और ऐसे में हम ये बात कर रहे हैं कि हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है, मैं रुबिंदर के ही आंसर में ही कुछ एडिशंस कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं. बाकी आप सबका भी इसी के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है. तो हमें सबसे पहली बात ये फोकस करनी है कि हमें उस चीज़ पर बिल्कुल बल देना है जिससे सीधे सीधे ये हासिल होता है. और जब हम डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा सरोकार तो इकोनॉमी से बनता है पहले, और उन्होंने भी शुरुआत वहीं से की. लेकिन इकोनॉमी में जब हम इसकी बात करते हैं तो उसका सीधा सरोकार बनता है जीडीपी से. दैट इज़ द डायरेक्ट एलिमेंट. तो अगर हम ये कहते हैं कि हमें 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो हम इस बात का कमिटमेंट कर रहे हैं कि हमें एवरी ईयर समवट अराउंड 8% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ना होगा. यू नीड टू मैंशन दीज थिंग्स इन टू योर आंसर. जीडीपी ग्रोथ रेट की मैंशनिंग उसमें नहीं थी, ये एक भारी कमी थी आंसर की. देखिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, कई बार आंसर बहुत अच्छा होता है, उसमें सब कुछ ही होता है. ठीक, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं हमें मार्क्स नहीं मिले हैं, उसका एक बड़ा कारण होता है उसमें जो एकदम क्रूशल एलिमेंट है जिस पर सारा दारोमदार टिका है पूरे आंसर का, वो मिस हो जाता है कई बार. इनडायरेक्टली हम कई मायनों से वो कहने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर डायरेक्ट मैंशनिंग नहीं होती उस चीज़ की. और हम एग्जामिनर को अजम्पशन बेस्ड एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ सकते हैं, हमें सीधे सीधे मेंशन करना है. है कि नहीं अरमान? करना चाहिए कि नहीं? तो सीधे सीधे किस बात का मेंशन करना चाहिए बेटा? जीडीपी ग्रोथ रेट का मेंशन तो करना ही पड़ेगा, है ना? पंखा बंद करना. ठीक है, अब ठीक है? आओ आओ, खोलें, आँख से आँख मिलाएं, आ जाओ. तो दिस इज़ द वन रिक्वायरमेंट दैट वी नीड टू मैंशन. जी डी पी ग्रोथ रेट इज़ रिक्वायर्ड. सो सेकेंड, इसी से बात आ जाएगी कि अगर आपका नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो पर कैपिटा इनकम पर आपको बात करनी होगी. अब आप इसके लिए बहुत ज़्यादा दूर जाएं ही मत, आप अपनी किताब पर ही फोकस करें, आप अपनी बुक पर फोकस करें. बुक ये कहती है कि पर कैपिटा इनकम वाइज इंडिया समवट अराउंड $6,700 पर कैपिटा इनकम एनुअली पर खड़ा है. और ऐसे में इंडिया अभी लो मिड इनकम इकोनॉमी है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है, जो कि पर कैपिटा इनकम को ही एज अ क्राइटेरिया यूज़ करते हैं. अब ऐसे में हम ही ने लेक्चर्स के वाया ये जाना कि रशिया हाई इनकम इकोनॉमी में एंटर हुआ, वहाँ पर कैपिटा $14,600 के अराउंड पर कैपिटा इनकम बन चुकी है. तो ऐसे में आपको अगर डेवलप्ड इकोनॉमी बन रहा है, इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो हर हाल में पर कैपिटा इनकम आपको $10,000 के अबव ले जानी होगी. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो आपको $10,000 के अबव जाना होगा. तो जीडीपी को मेंशन करना ज़रूरी होता है, पर कैपिटा इनकम की बात करनी ज़रूरी होती है. ये दो क्रूशल एलिमेंट हैं जिन पर डिस्कशन करनी ज़रूरी है अगर आप आंसर नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें आप डेवलप्ड नेशन होना चाह रहे हैं. बाकी पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए. अब दूसरी चीज़ जो बहुत क्रूशल है, जो मिस हुई है, जिस पर बात करनी ज़रूरी थी, वो क्या है? देखो, आंसर उन्होंने शुरुआत बिल्कुल सटीक वहीं से कर दी, प्राइमरी सेक्टर से. बिल्कुल सही है, प्राइमरी सेक्टर से उन्होंने बिगनिंग की, दैट इज़ गुड. और उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर को पकड़ा, ये भी सही है, बिल्कुल सही है. मेन कहानी ये है कि आपको इस बात पर बल देना है कि एग्रीकल्चर का विकास, भारत के ग्रामीण इलाकों का विकास तब होगा जब आप अपने देश में सही मायने में फंड्स के मामले में, फंक्शंस के मामले में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करेंगे. सो हमें अगर एक डेवलप्ड नेशन बनना है 2047 तक, उसका तोड़ ही ये है कि हमें हमारे देश में जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं, जो अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, रूरल एरियाज़ में पंचायतें हैं, हमें हर हाल उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथेंड एंड एम्पावर करना पड़ेगा.
और उसके लिए ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान है, चाहे वो विकास के कोई भी लोकल प्रोग्राम है, उनमें स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स बना करके, SPVs बना करके, म्यूनसिपल्टीज़ को साथ लेकर के आज की डेट में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। चाहे वो वेस्ट को मैनेजमेंट करना हो, चाहे वो ट्रैफिक को मैनेज करना हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट करना हो, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया तभी डेवलप्ड होगा जब सही मायने में जो रिसोर्स की प्लानिंग है, जो रिसोर्स का डेवलपमेंट है और जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्टिसिपेटरी नेचर का होगा। और पार्टिसिपेटरी नेचर के लिए हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है हम उसी को यूज़ कर सकते हैं, और वो पंचायती इंस्टीट्यूशंस हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हमें सही मायने में फंड्स के मामले में, फंक्शंस के मामले में, फंक्शनरीज के मामले में एम्पावर करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा, रेलिवेंट बनाना होगा। उन्हें बहुत सारे काम ट्रांसफ़र करने होंगे, उनको उनके लिए वाजिब फंड्स देने पड़ेंगे और वाजिब एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शनरीज उनको देने होंगे ताकि वो अपना काम ढंग से कर सकें। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी था। एक जो वो बहुत स्ट्रांगली लैग कर गई हैं, जिसका मेंशन आना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका आंसर कतई पूरा ही नहीं है, बहुत बड़ा हिस्सा आप मिस कर जाएंगे, दैट इज़ अ टोटल मिसिंग ऑफ द डिस्कशन ऑफ द हेल्थ सेक्टर। उन्होंने हेल्थ सेक्टर का जिक्र नहीं किया कहीं पर भी, और ये बहुत बड़ी मिसिंग है, क्योंकि आप डेवलप्ड नेशन जब खुद को कह रहे हैं तो व्हाट डू मीन बाय दैट? आप बात कर रहे हैं कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के आंकड़े ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट के आंकड़े नहीं हैं, आप माल न्यूट्रिशन को ख़त्म कर चुके हैं, आप जो बैकवर्डनेस है लोगों की वो ख़त्म हुई है, पॉवर्टी ख़त्म हुई है, इसी की वजह से आप ये देख पा रहे हैं कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, जीवन बेहतर हुआ है, वैक्सीनेशन बेहतर हुआ है। तो जब तक हम हेल्थ सेक्टर की बात नहीं करेंगे तब तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। सो बेटर एक्सेस देना पड़ेगा लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, तभी सही मायने में चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट होगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आंसर में मिसिंग था, आपको इसमें रखना है। तीसरी जो बड़ी चीज़ इसी से जुड़ करके आती थी और वो मिसिंग है, इस समय में धरती पे जो भी कंट्रीज़ डेवलपमेंट का प्लान बना रही हैं और जो भी कंट्रीज़ डेवलप्ड नेशन बनना चाह रही हैं वो ये सपना देख ही नहीं सकती अगर उन्होंने अपनी सारी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्लानिंग को इस चीज़ के अराउंड नहीं बोना है। और वो चीज़ क्या है? दैट इज़ द क्लाइमेट चेंज। देखिए, आपको तेज़ी से बदलते पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए ही चलना है, जिसी से फिर वो सारे पॉइंट आ जाएंगे। और उन पॉइंट में मेन पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट को लेकर के कि इंडिया शुड सीरियसली कंसिडर इट्स एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अभी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और वो डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेट में आना चाहता है, ऐसे में इंडिया को बहुत बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करना है, तभी तो इंडिया की GDP बढ़ेगी, तभी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। इतने बड़े स्तर पर जिस मुल्क को आगे डेवलपमेंट करना है उस मुल्क का अभी जो एनर्जी सिक्योरिटी का सिनेरियो है वो क्या है? एनर्जी क्राइसिस रहता है इंडिया में, और वो तब है जब हमारे एनर्जी मिक्स को हैवीली डोमिनेट करते हैं फॉसिल्स। आप थर्मल पावर का देश भर में 50-60% यूज़ करते हैं एनर्जी मिक्स के तौर पर, उसके बाद आप क्रूड का इस्तेमाल करते हैं बड़े स्तर पर, फिर जाकर के बातें आती हैं हाइडल पावर का इस्तेमाल करना, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना, सोलर पावर का और तमाम और दूसरी चीज़ों का। मतलब फॉसिल्स आर डोमिनेटिंग योर इकोनॉमी, फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन आपके देश की अर्थव्यवस्था को डोमिनेट कर रहे हैं। हर तरफ जो आपकी बिजली की आपूर्ति है मेजॉरली वो बेस्ड है कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स पर, थर्मल पावर प्लांट्स पर बेस्ड है। उसके बाद कहानी आ जाती है हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स की, आपके यातायात के, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के साधन डोमिनेटेड बाय द फॉसिल्स, आप ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं डीजल का। और इसके अलावा आपके देश भर में तमाम इलाकों में जहाँ पर अभी खेती बाड़ी में जो इरीगेशन इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड नहीं है वो सारा का सारा जनरेटर सेट्स पर बेस्ड है। तो ऐसे में हम जब बात भारत के डेवलप्ड होने की बात कर रहे हैं हमें बात एनर्जी सिक्योरिटी की करनी है। जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वो बात इस कॉन्टेक्स्ट में करनी है कि हम क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश में कई लोगों को मार पड़ रही है कई तरह की, वो भी उस पर आएंगे अभी हम। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, इसलिए
इस आंसर में ये मेंशन होना चाहिए था कि इंडिया को अब हैविली आगे आने वाले समय पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर रिलाय करना है, हमें कन्वेंशनल फ्यूल से कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से शिफ्ट होना है, तो इंडिया डेवलप नहीं होगा अदरवाइज। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इंडिया डेवलप्ड नेशन की श्रेणियों में शुमार नहीं होगा। अगर होना है तो हमें वो प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी। इज़ दैट क्लियर? और इसी से हमारा इंपोर्ट बिल भी घटेगा, इसी से हमारी रिलायंस भी घटेगी दूसरे मुल्कों के ऊपर। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट, हम जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या इस समय देश में क्या है? सबसे बड़ी समस्या इस समय देश में यह है कि जितनी तेज़ी से धरती पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है उतने ही फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो गए हैं एपिसोड्स ऑफ डिज़ास्टर्स। सो कोई भी दुनिया आज कोई भी जो मुल्क है वो एक समस्या में है और वो है प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़ की आपदाएं बढ़ चुकी हैं, सूखे के एपिसोड्स बढ़ चुके हैं, टॉरेंशियल रेनफॉल्स हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, मतलब कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं पेड़ पौधों में, नमी जा रही है, डेजर्टिफिकेशन डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट होते चला जा रहा है, ये सारी चीज़ों के नुकसान में आप ऐसी परिस्थिति में आप ये वायदा कर रहे हैं कि आप हायर GDP अपनाएंगे, आप पर कैपिटल इनकम बढ़ाएंगे, मतलब आप ये वायदे तो करते जा रहे हैं कि आप ये करेंगे, पर सवाल तो यही खड़ा होता है कि आप जिस सिनेरियो में हैं उसी में रह के ये करना, वो सिनेरियो तो प्रभावित है बदलते पर्यावरण से, जलवायु में बदलाव आ रहा है। तो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम इंडिया का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में भारत डेवलप्ड तब होगा अगर भारत का डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत ही टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होगा, बहुत क्विक होगा, आपकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमें उस पर काम करना है। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये सारी चीज़ें कवर करके चलिए आप क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के तहत जब आप बात कर रहे हैं तो हेल्थ एक्सेस और ज़्यादा चाहिए इसी के कारण, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान आने वाले हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं। डिज़ास्टर है, पॉल्यूशन है, और ये पॉल्यूशन ही है जो आपकी इफ़ेक्टिवनेस आपकी एफिशिएंसी को कम्प्रोमाइज़ करा रहा है, और कोई भी देश की इकोनॉमी एफिशिएंसी पर ही खड़ी रहती है, इसी चीज़ पर मजबूती से खड़ी रहती है। तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, अगली चीज़ जिस पर बल देने की ज़रूरत थी कि हम जब डेवलप्ड नेशन होने की बात कर रहे हैं तो हम किस चीज़ से बाहर होकर के डेवलप नहीं हो सकते, वो क्या है? देखो, किसी भी सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने की, कैपिटलाइज़ करने की, डेवलप करने की जो भी मौजूदा समय में टेक्नोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं, बाय एंड लार्ज वर्ल्ड लेवल पर वही टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज़ किया जाता है कॉम्पिटेंट मैनर में अपने विकास के लिए। ठीक, आप अलग नहीं चल सकते दुनिया से। आने वाले समय में अगर ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ रोल प्ले करने वाली हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जैसे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जैसे डाटा नेटवर्क एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ये सारी चीज़ों पर आपको बल देना है। तो हम जब बात करते हैं कि उन्होंने मेंशन किया इस बात को कि हमें कंटिन्यूसली रिसर्च पे फोकस करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, तो जब भी आप इस दिशा में बात करें आपको स्पेसिफिकली इन चीज़ों को मेंशन कर देना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी 4-5 चीज़ें हैं जिन पर सवार होकर के ही भविष्य में विकास हो पाएगा। तो आपको इन बातों को यहाँ पर मेंशन करना है। कोई आई बात समझ में? देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम दुनिया भर में बढ़ती आबादियों के कारण और तकनीक में उतना विकास ना होने के कारण रिसोर्सेज में कमी आएगी, और रिसोर्स कंटेमिनेट भी हो रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण नुकसान हो रहा है, मिट्टियां कट रही हैं, सॉइल इरोजन तेज़ी से हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, तो इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स बढ़ चुके हैं, एवलांचेस बढ़ चुके हैं, सेडिमेंट लोड रिवर्स का बहुत बढ़ चुका है। तो हमारे धरती पर तकनीक उतनी तेज़ी से विकास नहीं कर रही है कि वो जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करे, पहला। लेकिन दूसरी तरफ जनसंख्या की इच्छाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की इच्छा सब में बढ़ रही है, सभी मुल्क ये करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक तरफ लोकतंत्र अपनाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ आप किसी भी देश के लोकतंत्र में रह रही जनता को इस बात के लिए बाउंड नहीं कर सकते कि वो अपनी सरकारों से बेहतर जीवन ना मांगे। तो दुनिया भर में आज सोशल मीडिया और इंटरनेट की क्रांति के कारण हर व्यक्ति जान चुका है कि दूसरे मुल्क में किसी का जीवन कैसा है, इसलिए वो अपने मुल्क में भी अपनी सरकारों से वैसे ही जीवन की मांग कर रहा है। जब वो वैसे ही जीवन की मांग करेगा, सरकारें बाउंड हैं वैसा जीवन देने के लिए।
सरकारें नहीं देंगी तो उन्हें गिरा दिया जाएगा, टॉपल डाउन हो जाएगा, सारी क्राइसिस आ जाएंगे। और सरकारें अगर बाउंड हैं ये देने के लिए, तो सरकारों के सामने चुनौती ये है कि क्लाइमेट चेंज से सही मायने में अटैक भी उन्हीं चीज़ों पर हो रहा है जिन रिसोर्सेज के वाया ही बेहतर जीवन दिया जा पाएगा। आई बात समझ में? इसके कारण दुनिया भर में ये हो रहा है कि रिसोर्स क्रंच आएगा। जैसे आपकी किताब में ही ये बात लिखी है कि जो अमेरिका के क्रूड रिजर्व्स हैं वो लगभग 10.5 वर्षों में ख़त्म हो जाएंगे। आपकी किताब में ये बात मेंशन है ना कि उसके क्रूड रिजर्व 10.5 वर्षों में ख़त्म हो जाएंगे। मैं एग्जैक्ट फिगर याद नहीं कर पा रहा हूँ। मिडल ईस्ट के जो क्रूड रिजर्व्स हैं वो 808,000 मिलियन टन है, मैं मिलियन बैरल हैं, और वर्ल्ड लेवल पे 1,697,000 मिलियन बैरल हैं। अमेरिका की एग्जैक्ट फिगर मैं भूल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि मिडल ईस्ट के अगर लगभग 70 वर्षों में ख़त्म होंगे, अमेरिका के 10.5 वर्षों में ख़त्म होंगे, पूरे विश्व के लगभग 50 वर्षों में क्रूड ख़त्म होने वाला है। अब ऐसे में उसी किताब में मेंशन है, आप ही की किताब में मेंशन है कि इसके बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट आएंगे दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर। और ऐसे में अगर अमेरिका के पास जो रिसोर्सेज की कमी है, क्रूड की कमी है, और उसे इन चीज़ों की ज़रूरत हुई, तो फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि आप रिसोर्स रिच कंट्रीज़, उन टेरिटरीज़, उन ज्योग्राफीज़ को कंट्रोल करेंगे। यू विल कंट्रोल दैट। यहीं से जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर्स शुरू होती हैं। आपके विकास, आपकी डेवलपमेंट, आपके अस्तित्व, आपकी एग्जिस्टेंस किसी ना किसी संसाधन पर टिकी है, कोई ना कोई रिसोर्स पर टिकी है। युद्ध उस रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए है, या उस रास्ते को कंट्रोल करने के लिए है, या उस कम्युनिकेशन लाइन को कंट्रोल करने के लिए है। मतलब जो भू है वो महत्वपूर्ण है आपके इस मूव के पीछे। ये भू राजनीति है, ये जियो पॉलिटिक्स है। तो आज आप देख सकते हैं कि द प्रॉब्लम इज़ जियो पॉलिटिकल वॉरफेयर्स आर देयर। इट्स बिटवीन रशिया यूक्रेन, इट इज़ बिटवीन इज़राइल एंड हमास एज वेल, एंड इन मैनी कंट्रीज साउथ चाइना सी डिस्टर्बेंस इज देयर। सो आने वाले दिनों में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और बड़ा रूप लेगा, जैसे जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स और बढ़ेंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे पॉल्यूशन और कंटेमिनेशन और बढ़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज और अंडर स्ट्रेस आएंगे, और साइमल्टेनियसली लोगों की डिमांड अपनी सरकारों से बढ़ेगी। ऐसे में इंटरनल कैओस बढ़ने वाले हैं, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के सिनेरियो बढ़ने वाले हैं। ये ज़रूरी है कि आप अपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म को हाईली अपग्रेडेड बनाएं। सो डिफेंस का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है अगर आप आने वाले समय में एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं। विदाउट कोई भी डेवलप्ड नेशन आप मुझे बताइए तो आप फिर उसका डिफेंस सिस्टम असेस करके बताइए कैसा है। विदाउट हैविंग दैट रॉबस्ट डिफेंस सिस्टम, हाईली अपग्रेडेड हाईटेक ओरिएंटेड एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एंड हैविंग फुल सिक्योरिटी ऑफ योर बॉर्डर्स, इंटरनल थ्रेट्स, एथिकल हैकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। सो सच थिंग्स, इंटरनल डिस्टर्बेंसेज, सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एट द लेवल ऑफ इंडिया इफ दे वॉन्ट टू डेवलप बाई द टाइम ऑफ 2047। तो टू कंटेन द इंटरनल डिस्टर्बेंसेज, टू सेटल इट डाउन, तो इंटरनल सिक्योरिटी शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स वी शुड रीवैम्प इट, एंड द बॉर्डर सिक्योरिटी शुड बी देयर। अगर हमारे नेशनल डिफेंस स्ट्रॉन्ग होता है इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तभी हम अपनी सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज कर पाएंगे, तभी हम बेटर रिलेशंस फॉर्म कर पाएंगे इंटरनेशनली, हम तभी राजनीतिक स्थिरता रख पाएंगे, उसी पे खड़ी है आर्थिक स्थिरता। तो इसलिए हमें इसके लिए लगातार हमारी सेनाओं के अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, उन पर लादे गए खर्चे घटाने की ज़रूरत है। उसी के तहत एम्प्लॉयमेंट की नई नई योजनाएं सेना में आ रही हैं कि सेना चाहती है कि अपने पैसे का अधिकतर इस्तेमाल वो अपग्रेडेशन में करे, एक्सपेंशन में करे, विकास में करे, ना कि पेंशंस में, अलाउंसेज में और सैलरीज में। अदरवाइज़ सेना जो है वो एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन सेंटर बन जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि एक डिफेंस अपरेटस। तो वो कह रहे हैं कि सेना का काम देश को सुरक्षा देना है, रोज़गार देना नहीं है। यही सरकार अग्निवीर के पीछे भी कहती आई है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम चाहिए इंडिया को जो फुली अपग्रेडेड हो टेक्नोलॉजी वाइज, और जो इकोनॉमिकली एफिशिएंट हो। इसके लिए इंडिजिनाइजेशन ऑफ द डिफेंस सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। तो इंडिजिनाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, तो इस चीज़ पर आपको विचार करना है, ये भी आपको सोचना है। ये सारी समस्याएं जो हैं इनकी एक जड़ भी है। वो जड़ क्या है? जो ना हो तो आप समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे आप हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, जब भी आप विकसित भारत की छवि सोचते हैं, आपके मन में यही आता है कि खास है, मेरी कमाई में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा,
जब भी विकसित भारत के बारे में पूछा जाता है आप कहते हैं लोगों के हाल क्या हैं, शहरों में पानी भरा है, खेतों में पानी भरा है, पानी है नहीं पीने को, सूखा है, जगह जगह भूस्खलन है, जगह जगह प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या ही विकसा, ये कैसा विकास है, ये वट काइंड ऑफ लाइफ इज़ दिस। देश सुरक्षित नहीं है, जगह जगह टर्बुलेंसेज हैं, कहीं पर नक्सलवाद है, कहीं पर माओवाद है, कहीं पर आतंकवाद है, टेररिज्म आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, चीज़ें हैक हो रही हैं आपकी, पीपल आर नॉट हैविंग सिक्योर फीलिंग। ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में विचार करेंगे, आप कहेंगे सेहत का ढांचा चरमराया है, दवाइयाँ महंगी हैं, इलाज है नहीं, हम इलाज ले नहीं पा रहे, आप इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर मूल में इन चीज़ों के बिगड़ने के मूल में एक चीज़ है जिसकी आप बात करेंगे, और वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। इस समय देश भर में अगर देखें, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात हो, चाहे वो टेंडर्स को एलोकेट करते समय किसी डिस्क्रिपेंसी की बात हो, चारों तरफ अगर देखें तो मामले भ्रष्टाचार के ही हैं। आप लोग युवा आंदोलन कर रहे हैं इस नाम पर कि भ्रष्टाचार हुआ है, नौकरियों में पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, भविष्य के साथ समझौता किया गया है, भर्तियां हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार के पास पैसा आ रहा है, टैक्स आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, सरकार उसे एलोकेट कर रही है, ज़मीन पर जीवन बदल नहीं रहा है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ने देश के अंदर एक भाव पैदा कर दिया है कि इंस्टीट्यूशंस हमारी, हमारे हक में, हमारे विकास में काम कर ही नहीं सकती, इसलिए देश की संस्थाओं के हक में योगदान देने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग टैक्स देने से पहले ये कहते हैं फ़ायदा क्या है, हमें मिलेगा क्या, दैट फीलिंग इज़ अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग। सो इफ़ यू वॉन्ट टू डेवलप, अगर आपको विकसित होना है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह के मैकेनिज़म लेकर के आएँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से लेकर के आएँ, ऐसे सख्त कानून लेकर के आएँ कि आप करप्शन फ्री सोसाइटी बना सकें। तो करप्शन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आप डेवलप्ड नेशन बन पाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। और ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट कदम जो उठाना है, इफ़ यू वॉन्ट टू डेवलप, यू नीड टू ओवरहॉल द इंडियन इंस्टीट्यूशंस। सो इंस्टीट्यूशनल ओवरहॉलिंग इज़ रिक्वायर्ड, एंड इस इंस्टीट्यूशनल ओवरहॉलिंग में एक मेजर ओवरहॉलिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ इन द जुडिशरी। सो जुडिशरी की ओवरहॉलिंग की रिक्वायरमेंट है, जिसके बेस पर ही देश विकसित होगा, क्योंकि आपके देश में निवेश तब आएगा, इन्वेस्टमेंट तब आएंगी, कॉन्फिडेंस लोगों का तब बढ़ेगा जब कॉन्ट्रैक्ट्स और उनसे जुड़ी शर्तों की मान्यताओं को स्थापित किया जाएगा। ये तब हो पाएगा जब केसेस वर्षों वर्षों तक पेंडिंग नहीं रहेंगे, डर तब बैठेगा लोगों के अंदर, नियम को वो तब मानेंगे जब उन्हें दिखेगा कि तुरंत निपटारा होता है। आने वाले समय में करोड़ों रुपए की संपत्तियां खरीदी जा पानी मुश्किल होंगी, गुड़गांव में, नोएडा में, मुंबई में, सब कुछ कामकाज किराए पे चलने वाला है। जब तक लैंड लीजिंग से जुड़े कानूनों और उनको सुनने के लिए खास तरह की अदालतों का निर्माण नहीं होगा, तब तक आपके शहरों में वो एटमॉस्फेयर ही नहीं क्रिएट होगा कि रेंटल कॉन्सेप्ट एक कमर्शियल कॉन्सेप्ट का रूप अपना जाए, तो उसकी वजह से विकास में समस्याएँ आएंगी। अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ लोग रेंट पर नहीं दे पाएंगे और लेने वाले उसे लेके मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें दोनों को दिख रहा है कि अभी भी एक लालापंथी टाइम सिस्टम चलता है, कोई कानूनी सिस्टम तो यहाँ पर है नहीं है। तो जितनी तेज़ी से आप ये चीज़ों को इंश्योर करेंगे, कंपनीज और कॉरपोरेट्स की अपनी इंटरनल स्क्रूटनी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी कॉरपोरेट हाउस काम करता है, कोई भी कंपनी काम करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी अपनी इंटरनल ऑडिट्स इतनी स्ट्रांग हों कि उनके अंदर कोई भी माल फंक्शन अगर हो रहा है वो टाइमली पता चले, क्योंकि विकास जो है वो इस बात पर खड़ा है कि निवेश लोगों से आएगा, लोगों से निवेश इन्वेस्टमेंट आएगा जब कंपनियां बाज़ार में उतरेंगी, शेयर मार्केट में आएंगी, इक्विटी मार्केट में होंगी। अगर लोगों तक कंपनी की फंक्शनिंग का, उसके घाटे और उसके मुनाफे का सही पिक्चर ही हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हम वो कंप्लायंसेस इंश्योर नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय निवेशक के मन में ये भाव, लोगों के मन में, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक के मन में ये भाव आ जाएगा कि यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, ये क्लियर नहीं है इनकी इकोनॉमी। अगर फिगर्स शो की जा रही हैं तो शायद सही नहीं शो की जा रही हैं, ये चीज़ें, थिंग्स आर नॉट करेक्ट, दे विल नॉट इन्वेस्ट। तो इसलिए हमारे देश में समय से ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया कि ताकि निवेशकों का पैसा डूबे ना, पता लग जाए इंसॉल्वेंसी के स्टेज पे पता लग जाए कि कंपनी कुर्क होने की अवस्था में आ गई है, उसकी बैंकरप्सी ढंग से की जाए ताकि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सिक्योर रखा जाए। इसलिए कंपनी लॉज को लेकर के ट्रिब्यूनल लाए गए
और उनके तहत कंपनीज के केसेस, कॉरपोरेट्स के केसेस को आज चलाया जा रहा है, ताकि जो इंटरनल ऑडिट्स हैं, जो कंपनीज की फंक्शनिंग है, और ज़्यादा लोगों का कंट्रोल आए उस पर, डेमोक्रेटिक हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में प्राइवेट प्लेयर ही ये सारी भूमिका निभाने वाला है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें कैसे बेहतर काम कर सकती हैं, अगर जुडिशियल सिस्टम हमारे देश का उसके मुताबिक ढलेगा, बदलाव आएंगे, वो किए जाने बहुत ज़रूरी हैं। जुडिशरी एक्सेसिबल होनी चाहिए लोगों को, निपटारे केसेस के तुरंत होने चाहिए, कानून सख्त होने चाहिए, तब जा कर के देश में ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, तभी विकास होगा, वरना विकास नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? इसमें जुडिशरी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो इस तरह से कई सारे पहलू हैं। अभी हम, क्योंकि 10th क्लास की किताब का टॉपिक है, हम उसको उसी दायरे में रह कर के आपको समझाना चाहते हैं, उससे लिमिट से आगे नहीं ले जाना चाहते, लेकिन ये कुछ बड़े पहलू थे जिन पर बात करनी ज़रूरी थी। आपको डिफेंस पर बात करना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको इंस्टीट्यूशनल ओवरहॉलिंग पर बात करनी है, मेन रोल इज़ ऑफ द जुडिशरी, यू नीड टू वर्क अपॉन दैट। आपको जो लॉज हैं देश में उनकी कंप्लायंसेस पर बात करनी है, दे शुड बिकम रेलिवेंट, चाहे वो कंपनी लॉज हैं, फैक्ट्रीज एक्ट हैं, चाहे वो लेबर लॉज हैं, वट एवर बी द लॉज, वो होने चाहिए। आपको क्लाइमेट लॉज को रेलिवेंट बनाना पड़ेगा, सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओज़, जैसा उन्होंने कहा कि उन्हें गवर्नमेंट को तो अकाउंटेबल रखना है, उन्हें भी खुद अकाउंटेबल रहना होगा समाज के प्रति, कि वो जो रेलिवेंट मुद्दे हैं उन्हें उठाएं, देश की विकास में योगदान देना, कि विकास को रोकने, अपनी ताकत ना बढ़ाएं, देश की ताकत बढ़ाएं। अपनी ताकत इसलिए बढ़ाई जाती क्योंकि देश की ताकत बढ़ाना है। मेन हमारा मुद्दा ये है कि हम इतने प्रतिशत अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ाएं और उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, वो तभी हो पाएगा। जैसा उन्होंने लिखा था, स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए, रोज़गार का सृजन होना चाहिए। हाँ, एक अंत मैं इसको क्लोज करूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मिस हुआ है वो ये है, देखिए ओवरऑल उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लासेस सोशल सेगमेंट के अंदर बात की, लेकिन मेन बात यह है कि आप विकसित 2047 तक आप विकसित मुल्क हो ही नहीं सकते। टेक्निकली इसमें एक प्रॉब्लम है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि देश की आधी जनसंख्या महिलाएं हैं, द 50% पॉपुलेशन इज वुमेन, बींग कॉन्ट्रीब्यूटर बींग कंज्यूमर हर मामले में। तो आधी जनसंख्या जब तक विकसित नहीं होगी, जब तक रोज़गार में उनकी भागीदारी नहीं होगी, जब तक उनका कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक आप ये सपना भूल जाइए कि आप विकसित मुल्क बनेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इन वुमेन का वर्क पार्टिसिपेशन रेट एट पार आना होगा मैन के, फर्स्ट। सेकेंड, ये तब होगा जब स्किल डेवलपमेंट वुमेन की फील्ड में, कैपिटल फॉर्मेशन इस फील्ड में होगा। सो हमें अगर 2047 तक डेवलप्ड मुल्क बनना है, इसकी जो बड़ी चाबी है वो ये है कि अगर इतनी विकास दर चाहिए, यू कैन नॉट अचीव दैट अनलेस अनटिल यू विल हैविली कन्वर्ट योर ह्यूमन इनटू द कैपिटल। आपको हैवी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा, बहुत भारी निवेश शिक्षा पे करना है, स्किल्स पे करना है, सेहत पे करना है, लोगों के आवास पे करना है, जीवन पे करना है। तो जब तक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा ह्यूमन का, ये फिगर कभी अचीव हो ही नहीं सकती। 8% GDP ग्रोथ रेट वाली फिगर अचीव होनी ही नहीं है, मैं गारंटी कर देता हूँ। तो हैवी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज स्पेसिफिक टू द सेक्शन विच इज वुमेन, विच इज 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। एंड जब उन्होंने ये कहा कि राज्यों को कोऑपरेट करना चाहिए देश के विकास में, रीजनल और लोकल आइडियाज़ को नहीं देखना चाहिए, एक पहलू ये सही है, और उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है बतौर देश कि पिछड़े राज्यों की श्रेणी बना करके उन्हें खास तरह के समर्थन के साथ आगे लाना है, क्योंकि इंडिया की डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट्स ना, स्टेट्स का डेवलपमेंट ही इंडियन डेवलपमेंट है। तो ये जो लोपसाइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसको दूर करना है, ये एक्सप्रेशन उसमें होना चाहिए था, और हमें पिछड़े राज्यों पर खास काम करना है, तो उन्हें आगे लेकर के आना है, तब जा करके सही विकास हो सकेगा। और इसमें मेजर भूमिका निभा सकता है बजट एलोकेशन टू दैट एरिया। सेकेंड, द टैक्स रिफॉर्म्स, जिसके तहत एक रिफॉर्म हुआ भी है, GST इज़ अ रिफॉर्म इन दैट डायरेक्शन, जो कंज्यूमर स्टेट्स को ज़्यादा समर्थन देता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोड्यूसर स्टेट्स, जैसे कि बिहार है और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा, झारखंड, ये कंज्यूम करते हैं हैवीली, बट इनको लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि पहले का टैक्स रिजम जो है वो मैन्युफैक्चरर स्टेट्स को सपोर्ट करता था, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो एक टैक्स रिफॉर्म इसमें रोल प्ले कर रहा है, आगे भी टैक्स रिफॉर्म आने चाहिए। जो मिडिल क्लास सेगमेंट है, टैक्स बर्डन्स इतना का रेलिवेंट बनाना चाहिए कि टैक्स बर्डन थोड़ा घटे उस पर, और उसके पास सेविंग्स बने जिसको वो इन्वेस्ट भी करे और एक्सपेंडिचर भी करे। इससे फ्यूचर के लिए, गवर्नमेंट के लिए सेविंग्स बनेंगी, जिससे कैपिटल फॉर्म होगा,
और मौजूदा समय में उद्योगपतियों के लिए मांग बनेगी, डिमांड बनेगी, जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया चलेगा। ओके, सो बैकवर्ड स्टेट्स को स्पेशल सपोर्ट दे करके पुश करके आगे लाना होगा। एक बड़ा कदम इस दिशा में फंड एलोकेशन, लोप साइडेड डेवलपमेंट को खत्म करना, निवेशकों को उस और बढ़ाना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर